नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों। मैं आपकी हिंदी फरदमस बोल रहे बच्चों। अच्छा बच्चों, फर्स्ट स्टैंडर्ड में यानी पहली कक्षा में हमने पिछले पार्ट में क्या देखा था आपको याद में है? हाँ बच्चों, पहले मैंने स्वर को चलाया था, फिर व्यंजन को, उसके बाद बारह खड़ी, और मैंने एक किताब को दिखाकर आपको चित्रों के साथ शब्द को भी सुनाया था, है ना बच्चों? हाँ, ये मैंने पिछले पार्ट में आपको चलाया था। आज मैं आपको नए पार्ट में पहले स्वर चलाऊंगी, फिर व्यंजन चलाऊंगी, उसके बाद बार अक्षर चलाऊंगी, उसी प्रकार वो किताब को दिखाकर, चित्रों को दिखाकर, हाँ शब्द के रूप में बोल के दूंगी और मात्रा को बोल कर दूंगी, और मैं आपके एक छोटा सा अंत में लॉलीपॉप एक पद्य यानी पोएम को सिखाऊंगी। ये देखो बच्चों, पिछले पार्ट में मैंने पहले आपको स्वर चलाया था, आ आ ई ई वो ओ क्रे, ये आई वो औ अम अह, और व्यंजन क क घ घ ञ च च झ झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध ण प फ भ भ म य र ल व श श स ह श त्र ण्य श्र। ये मैंने आपको पिछले पार्ट में चलाया था। ये देखो बच्चों, हमने पिछले पार्ट में, हाँ पहले मैंने आपको क ख घ घ अक्षर में सिखाया था, और मैं आपको उस अक्षर से, हाँ शब्दों के रूप में सिखाऊंगी। ये देखो, प से पतंग, पतंग का मतलब क्या है? काइट। हाँ, रंग बिरंगे काइट कहाँ पे उड़ते हैं? आसमान में। और फा से फल, हाँ फल सेहत के लिए स्ट्रांग है, हेल्थी है, तंदुरुस्त है ना बच्चों? फा से फल, फ्रूट्स। बा से बदक, ये बहुत ज़्यादा गांवों में पाया जाता है, कितना अच्छा छोटा सा स्मॉल डक है ना बच्चों? इसे ब से बदक डक बोलते हैं। भा से भालू, हाँ कितना बड़ा जंगली जानवर है, ये है भालू बियर। मा से मछली, ये कहाँ पे रहता है? सागर में, है ना बच्चों? हाँ, फिशरमैन जाके, मछली वाले जाके सागर से पकड़ के आते हैं और बाजार में बिकाते हैं, है ना बच्चों? ये है माँ से मछली, फिश। प से पतंग, काइट। फ से फल, फ्रूट्स। ब से बदक, डक। भा से भालू, बियर। म से मछली। ये देखो बच्चों, हाँ अम की मात्रा में ये है बारह खड़ी। हाँ, इक प्लस अम कम, इम प्लस अम मम, इत प्लस अम तम, इज प्लस अम जम, इफ प्लस अम फम, इस प्लस अम सम, इर प्लस अम रम, इद प्लस अम दम। ये है पिछले पार्ट में हमने बारह खड़ी में देखा था, और अम की मात्रा में अक्षर को कैसे मात्रा के रूप में सिखाया था, उसी प्रकार उसे शब्दों में, चित्रों के रूप में मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो बच्चों, अम की मात्रा में ये मैंने पिछले पार्ट में आपको सुनाया था ना, याद में है ना? हाँ, इक प्लस अम कम, कंग गा प्लस ई गी, कंगी कोम, है ना बच्चों? हाँ, कोम क्या करते हैं? सर में हम अपने बहुत बालों को अच्छा सा सजाते हैं, ये कोम से ही सजाया जाता है ना बच्चों? कम से कंगी कोम। हाँ, इत प्लस अम तम, तम बा प्लस ऊ बू, तम बू टेंट, जो भी यात्रा करने के लिए जाते हैं वहाँ वहाँ घर नहीं बसा सकते हैं ना, तब हम टेंट को यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। और म से इम प्लस, इम प्लस अम मम, मंच, मंच स्टेज, शादी में है, फेस्टिवल्स में रहोगे, हाँ तिरुरा में स्टेज जाके गाना सब गाते हैं ना बच्चों? हाँ, इस प्रकार स्टेज है, मन से मंच स्टेज। हाँ, इस प्लस अम सम, सन त रा प्लस आ रा, संतरा ऑरेंज, है ना बच्चों? इज प्लस अम जम, ये सब मैंने पिछले पार्ट में आपको पहली कक्षा में यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड में दिखाया था, है ना बच्चों? जंगल फॉरेस्ट। हाँ, आज मैं आपको नए पार्ट में, हाँ पहले स्वर सिखाऊंगी, फिर व्यंजन सिखाऊंगी, और व्यंजन के अक्षरों से आपको शब्दों के रूप में चित्रों को दिखा के उस शब्दों को अर्थ के साथ बोल कर दूंगी, और बारह खड़ी में आज हम कृ की मात्रा देखने वाले हैं, उसके बाद में अंत में आपको एक सुंदर पद्य यानी पोयम लॉलीपॉप के बारे में आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। ये देखो बच्चों, हमने आज नए पार्ट में पहले क्या देखेंगे? स्वर। स्वर का मतलब क्या है? वोवल्स। हाँ, हर वीक, हर वारों को, हर वीक को मैं आपको ज़रूर, हाँ स्वर और व्यंजन को याद दिलाती ही रहूँगी, है ना बच्चों? पिछले पार्ट भी मैंने याद दिलाता, इस
आज भी मैं नए पाठ में आपको स्वर पहले सिखाती हूँ। हाँ, उसमें कितने अक्षर है? 13, 13 लेटर्स है ना बच्चों। आ आई ई वो ओ क्रे, ये आई वो आउ अम अह। आ आई ई वो ओ क्रे, ये आई वो आउ अम अह। और व्यंजन में कितने अक्षर है? 37, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? 37 लेटर्स है ना बच्चों। हाँ, कक्का गगन्या, चच्चे जज्जन्या, टठे डढ़न, तत्थ दधन, पफ बभम, यर लव, शश सह, शत्र न्य श्र। अब मैं ये व्यंजन के अक्षर में आने वाले यर लव उस शब्दों के रूप में, उसे चित्र को दिखाकर, उसे शब्दों के रूप में मैं अब बोलकर देने वाली हूँ। ये देखो बच्चों, हाँ, व्यंजन के अक्षरों को पहले मैंने सुनाया था। अब उस व्यंजन के अक्षर में य र ल व श, हाँ, ये अक्षरों से मैंने आपको शब्दों के रूप में चित्रों के साथ बोलकर दूंगी। पहला वाला देखो, य से यन, इसे तमिल में यागम बोलते हैं और अंग्रेजी में इसे रिचुअल बोला जाता है। हाँ, उस जमाने में राजा लोग जो तकलीफ होती है और युद्धों के लिए करने के लिए और मंदिर में जो फेस्टिवल्स त्यौहार आता है इसके लिए सब उनके गुरुओं से, हाँ, उनके संत मीन सेंट, तमिल में सामियार बोलते हैं, सो उनका सब बातों को सुनकर ये यन यागम को मनाते, रिचुअल को, य से यन। और दूसरा देखो, र से रथ, ये आज सब रथ यहाँ पे नहीं, उस जमाने में राजा लोग इसका प्रयोग करते थे। जहाँ भी एक जगह को दूसरे जगह जाना है, फेस्टिवल को जाना है, तो फंक्शंस को जाना, किस जगह को जाना, तो ये रथ का प्रयोग करते हैं। उसमें रथ को कौन से जानवर का प्रयोग किया जाता है? हाँ, घोड़ा, वो ही तेज जाता है और 2-3 दिन के अंदर दूसरे देश को भी जाने के लिए ये रथ का प्रयोग उस जमाने में राजा लोगों ने किया था। और युद्ध में वार के लिए भी ये रथ का प्रयोग किया जाता है। र से रथ, अंग्रेजी में इसे चैरियट। नेक्स्ट देखो, ल से लट्टू, लट्टू का मतलब क्या है? टॉप। हाँ, रंग बिरंगे कलरफुल टॉप से लट्टू, हाँ, तमिल में से पंबरम बोलते हैं। और एक रोप को लेते हैं, हाँ, एक रस्सी को लेकर उसे टॉप को बांध कर और नीचे डालने से वो ऐसे घूमता है, देखने के लिए बहुत सुंदर लगता है। ल से लट्टू टॉप। हाँ, नेक्स्ट देखो, व से वक, तमिल में से कुक्कू बोलते हैं, अंग्रेजी में से क्राइम बोला जाता है। हाँ, ये क्या करता? पानी में रहता है और मछलियों से बहुत पसंद है। हाँ, पानी में रहकर ये मछलियों को ढूंढ के खाता है। और इसका रंग देखो, इसका आकार देखो, हाँ, कितना लंबा ऊंचा है और सफ़ेद काला रंग है, देखने के लिए बहुत सुंदर पक्षी है। व से वक क्रेन। श से शलगम टर्निप। हाँ, क्या है ये? बीटरूट जैसे, हाँ, टर्निप बीटरूट है, हाँ, इसे हम टर्निप भी बोलते हैं। शलजम, ये क्या है? शलजम हिंदी में, याद में रखो बच्चों। देखो, ये लाल है, सेहत के लिए बहुत है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ये ज़्यादा करता है, इसलिए बीटरूट जूस पियो, हर दिन बीटरूट का हो, सेहत के लिए बहुत अच्छा है बच्चों। हाँ, मैं और एक बार ये शब्दों को बोलकर देती हूँ। य से यन रिचुअल, र से रथ चैरियट, ल से लट्टू टॉप, व से वक क्रेन, श से शलजम टर्निप। ये देखो बच्चों, हम 12 खड़ी में कौन सा मात्रा आज मैं बोल के दूंगी? कृ की मात्रा। हाँ, इक प्लस कृ कृ, इप प्लस कृ प्र, इक प्लस कृ गृ, इन प्लस कृ नृ, इम प्लस कृ मृ, इच प्लस कृ चृ, इस प्लस कृ सृ, इच प्लस कृ चृ, इफ प्लस कृ फृ, इप प्लस कृ ब्र। ये है भारत कड़ी में कृ की मात्रा। ये एक शब्द मैंने आपको बोलकर नहीं दिया था, ये अक्षर अब इस वीक में आपको मैंने बोलकर दे दिया। हाँ, इस कृ प्र ऐसे जो 5 अक्षरों में आने वाले शब्दों को चित्र के रूप में मैं अब चलाने वाली हूँ।
ये देखो बच्चों, हाँ ये ग प्लस कृ गृ है ना बच्चों, ये क्या है, सुंदर छोटा सा घर है। इसे हम हिंदी में कृ के रूप में कैसे बोलेंगे, गृह है, यिग प्लस कृ गृ, गृह का मतलब होम है, घर है ना बच्चों। हाँ हम लोग आज COVID-19 के वजह से कहाँ पे है, घर के अंदर, और कैसे हैं, सुरक्षित है ना बच्चों। हाँ तब तो हमारे लिए घर बहुत सुरक्षित है। आप लोग छोटे बच्चे हो, कहीं पे बाहर मत जाना। जो घर में ऐसे अच्छे अच्छे पार्ट सब आ रहे, लेसन सब आ रहे, उसे अच्छी तरह से घर में बैठ के पढ़ो, है ना बच्चों। घर ही हमारे लिए सुरक्षित है। इग प्लस कृ गृ, गृह है होम। ये देखो बच्चों, हाँ इग प्लस कृ कृ, ये कौन है, कृषक। ये कहाँ पे है, हाँ एग्रीकल्चर में, हाँ तमिल में से वायल बोलते हैं, है ना बच्चों। ये है फार्मर, कौन है ये, फार्मर, और ये ही उनका जगह है। इनकी वजह से हमें क्या मिलता है, चावल राइस मिलता है। हाँ फार्मर लोग ही, हाँ आप ये एक वर्ष भर में उन लोग एग्रीकल्चर में हार्ड वर्क मेहनत करके हमें क्या देते हैं, चावल। ये देखो बहुत सुंदर हरे भरे ग्रीननेस का ग्रास है, ये है चावल का ग्रास। इसी से हम चावल ला कर दुकानों में बेचते हैं। ये लोग हमारे लिए किसान, कितने कठिन परिश्रम मीन्स हार्ड वर्क, इनका लहू पसीना ब्लड एंड स्वेटिंग है दोनों हमारे फार्मर ही बहुत अच्छा करके हम लोगों को आसानी से क्या देते हैं, चावल। ये लोग भगवान के जैसे हमारे लिए भगवान के रूप में है, क्योंकि ये हमें खाना देते हैं, फूड देते हैं ना बच्चों, इसलिए ये हमें भगवान के रूप में दिखाई देते हैं। इस प्रकार है, ये है कृषक। कृषक का मतलब क्या है, फार्मर। इक प्लस कृ कृ, कृषक, कृषक फार्मर। ये देखो बच्चों, हाँ इन प्लस कृ नृ, नृत्य का मतलब क्या है, डांस। देखो ये कितना अच्छा क्लासिकल डांस कर रही है औरत, है ना बच्चों, आप सब देखा होगा ना ये सब। नृत्य का मतलब क्या है, डांस। ये भी एक डांसर है, भरतनाट्यम बोलते हैं इसे। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, तमिल में भी भरतनाट्यम बोलते हैं, अंग्रेजी में भी भरतनाट्यम। कितना अच्छा ये औरत करती है, देखो इसका साड़ी बहुत सुंदर है, और इसके ज्वेल्स देखो कितना सुंदर है, और ये कितना अच्छा सा स्टेप में खड़ी है, देखो डांस में। ये है इन प्लस कृ नृ, नृत्य, नृत्य का मतलब क्या है, डांस। ये देखो बच्चों, इम प्लस कृ मृ, मृग का मतलब क्या है, डियर। देखो कितना सुंदर है, ये कहाँ पे ज़्यादा रहता है, जंगल में, है ना बच्चों। हाँ जंगल में बहुत अच्छा फौज से रन करता है। जब शेर का राजा, यानी जंगल का राजा कौन है, शेर। हाँ जंगल का राजा शेर है, वो आके इसे कैच करने, पकड़ने आता तो वो क्या करता है, बहुत अपने जान बचा के फास्ट से दौड़ता। आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल में से देखा होगा ना बच्चों। हाँ इम प्लस कृ मृ, मृग का मतलब क्या है, डियर। देखो कितने सुंदर, ये देखो एकदम ऑरेंज कलर में है, और उसके ऊपर देखो वाइट डॉट्स है। हाँ और उसका देखो हॉर्न्स कितने लंबे लंबे हैं, देखो कितना अच्छा सुंदर देख रहा है। देखो इसके दो आंख, कान बहुत छोटे हैं, लंबे लंबे हॉर्न्स, इसे सिंग बोला जाता, और चार पैर, इसका दुम कैसा होता है, टेल, बहुत छोटा होता है, और देखने के लिए सुंदर है। ये दौड़ेगा तो बहुत सुंदर दिखता है। इम प्लस कृ मृ, मृग डियर। ये देखो बच्चों, हाँ ये क्या है, इप प्लस कृ प्र इथ वी, पृथ्वी, वापलसी वी, प्र इत वापलसी वी, पृथ्वी। ये क्या है, यर्थ, धरती है, भूमि है। हम सब कहाँ पे हैं, हाँ यर्थ में है, भूमि में है ना बच्चों। हाँ हमारा ज़मीन को बोला जाता, हम जहाँ पे बैठे हैं वो ज़मीन है, वो भूमि है, यर्थ है। ये है पृथ्वी। इप प्लस कृ प,
प्रयित व प्लस ई पृथ्वी यर। ये देखो बच्चों, आज हम अंत में आ गए हैं। इस पहले लास्ट पार्ट क्या है, एक सुंदर पद्य है। मैंने आपको बोला था ना पहले, यहाँ पद्य का मतलब क्या है, पोयम। और पोयम में हम क्या सिखाने वाले हैं, लॉलीपॉप। देखो कितने रंग बिरंगे, आप लोगों को लॉलीपॉप बहुत पसंद है ना, कैसे रहता वो एक स्टिक में और मिठाई को उसमें लगा के रहता है ना बच्चों, क्या क्या रंग है देखो। हाँ, लाल, हरा, बैंगनी बूंदा और एक हरा सा पिंक कलर, कितने सुंदर, कितने रंग बिरंगे कलरफुल लॉलीपॉप्स है यहाँ पे। और उसी के बारे में आपको ये गीत सुनाऊंगी मैं आपको। यहाँ पे भी देखो लॉलीपॉप कलरफुल है, पिक्चर्स देख लीजिए बच्चों। लाल, हरे, नीला, पीला। लाल का मतलब क्या है, रेड। हरे का मतलब क्या है, ग्रीन। नीले का मतलब क्या है, ब्लू। पीले का मतलब क्या है, हाँ, येलो। खट्टे मीठे लॉलीपॉप, खट्टा मीठा। हाँ, खट्टा मीन्स सोर, मीठा मीन्स क्या होता है, स्वीट। पुलिप्पू बोलते हैं ना खट्टे के लिए, हाँ वही है सोर। और मीठा स्वीट दोनों मिलकर रहता है लॉलीपॉप में, है ना बच्चों। लाल, हरे, नीले, पीले, खट्टे मीठे लॉलीपॉप। गोल कैसा होता है, राउंड होता है ना गोल। बड़े होते हैं और छोटे भी होते हैं और मोटे बिग भी होते हैं, है ना बच्चों। हाँ, गोल मीन्स राउंड है, बड़े बड़े बिग होते हैं और छोटे लॉलीपॉप भी होते, छोटे भी होते हैं और मोटे भी बिग, हाँ फैट भी होते हैं। खट्टे मीठे वही है सोर और स्वीट लॉलीपॉप। थोड़े खट्टे थोड़े मीठे, सम सोर सम स्वीट है लॉलीपॉप। खट्टे मीठे लॉलीपॉप हमको है खाना, किसे कौन खाएंगे, मेरे नन्हे नन्हे बच्चे खाओगे ना तुम लोग, आपको बहुत पसंद है। आपके पापा मम्मी सब क्या लेके देते हैं, मम्मी मदर, हाँ मम्मी पिता क्या लेके देते आपको, लॉलीपॉप। आप वही मांगते हैं ना बच्चों, हाँ मैं आप एक बार आपको ये गा के दिखाऊंगी लॉलीपॉप। लाल, हरे, नीले, पीले। लाल, हरे, नीले, पीले, खट्टे मीठे लॉलीपॉप, खट्टे मीठे लॉलीपॉप। गोल, बड़े, छोटे, मोटे, खट्टे मीठे लॉलीपॉप। गोल, बड़े, छोटे, मोटे, खट्टे मीठे लॉलीपॉप। थोड़े खट्टे थोड़े मीठे, थोड़े खट्टे थोड़े मीठे, खट्टे मीठे लॉलीपॉप हमको है खाना। खट्टे मीठे लॉलीपॉप हमको है खाना। हाँ, आज से आपको पहली कक्षा का पार्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड का समाप्त हो रहा बच्चों। अच्छा बच्चों, कहीं पे बाहर मत जाओ, ये COVID-19 बहुत बुरा डिजीज़ है। प्लीज़ मम्मी पापा का बात कहना मानो, हर वक्त मम्मी जो बोलती है उसकी बात मान के रहो। आप लोग छोटे बच्चे हो, कहीं पे बाहर मत जाना। जो घर में आपको वीकली वीकली पढ़ाई आ रही उसे पढ़ो, और जो असाइनमेंट गृह कार्य उसे पूरा करो। धन्यवाद।